पैसे से पैसा कमाने, पैसा दिखाने और पैसा उड़ाने में सुब्रत राय का कोई तोड़ नहीं। राजनेता से लेकर बॉलीवुड, क्रिकेट से लेकर उद्योग जगत में उनकी धूम थी। आइए जानते हैं कि कैसे स्कूटर पर नमकीन बेचने वाले इस शख्स ने 2,00,000 करोड़ का कारोबार कैसे खड़ा किया, कैसे स्कूटर से शुरू हुआ उनका सफर प्लेन और फिर जेल तक पहुँच गया। बिहार के अररिया जिले में रहने वाले सुब्रत राय का मन पढ़ने में कुछ खास नहीं था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई, फिर वे गोरखपुर चले गए। साल 1978 में सुब्रत राय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटर पर बिस्किट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे में 2 कुर्सी और 1 स्कूटर के साथ उन्होंने 2,00,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। सपने बेचने में उन्हें महारत हासिल थी। दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने चिट फंड कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत की, गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट किया। मात्र 100 रुपए कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपए जमा कराते थे। देश की गलियों गलियों तक उनकी ये स्कीम मशहूर हो गई। लाखों की संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। हालांकि साल 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी। ये वो दौर था जब सुब्रत राय सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा। इसके बाद वो एक के बाद एक सेक्टर में पंख फैलाते चले गए। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। देश ही नहीं, दुनिया भर में सहारा का डंका बज रहा था। 11 सालों तक सहारा टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। जैसे जैसे सहारा का कारोबार बढ़ता गया, सुब्रत राय की कंपनी 2 गुनी 4 गुनी होती चली गई। सहारा अपनी लाइफ स्टाइल लग्जरी के लिए मशहूर होते चले गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनके 4400 करोड़ के 2 आलीशान होटल हैं। मुंबई के एबी वैली में 313 एकड़ का डेवलपमेंट साइट, मुंबई के बारसोवा में 113 एकड़ की जमीन है। लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत ने 170 एकड़ जमीन पर अपना पूरा शहर बसा डाला। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास 764 एकड़ की जमीन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। कई जानी मानी हस्तियां इस शादी में पहुंची थी। टाइम्स मैगजीन ने सहारा को रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बताया। 11 लाख से अधिक कर्मचारी सहारा परिवार के हिस्सा थे। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी, किसी को अंदाजा तक नहीं था कि खुद को सहारा श्री कहने वाले सुब्रत राय के दिन ऐसे फिरेंगे कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो साल 2009 था जब सहारा ने कंपनी के आईपीओ लाने की योजना बनाई। सहारा ने जब सेबी को आईपीओ के लिए आवेदन किया तो सेबी ने डीआरएसपी यानी कंपनी का बायोडाटा मांग लिया। सहारा के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा। सेबी ने सहारा के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई। सहारा पर आरोप लगे कि उसने अपने निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सेबी ने आरोप लगाए कि सहारा ने अपनी 2 कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं थी। नियमों के उल्लंघन के मामले में सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों के डिटेल और दस्तावेज मांगा तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भेजे गए। इन ट्रकों के कारण मुंबई के बाहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मशहूर वकील राम जेठमलानी ने सुब्रत राय की ओर से दलीलें पेश की। उन्होंने सुब्रत राय को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुब्रत राय के लिए सख्त बना रहा। सहारा के निवेशकों के पैसे 15% ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद वे पैरोल पर तो आ गए, लेकिन इसका नुकसान सहारा के निवेशकों को हुआ। उनका पैसा कब मिलेगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा। सहारा का आरोप है कि सेबी ने उसके निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए अपने पास रखे।